अब आपने ये तो देख लिया कि भाई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, बट इनवर्स निकालना कैसे है ये जानेंगे हम। तो हम यहाँ पर टू फाइंड ए इनवर्स ये कैसे पता करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको बोला जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं ये दो कैटेगरी में है, पहली कैटेगरी है रो और दूसरी कैटेगरी है कॉलम। तो पहली कैटेगरी के हैं हमारे रो ऑपरेशंस, जिनको हम बोलेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और दूसरी कैटेगरी हमारी है कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है। अच्छा, कैसे निकाला जाता है इनवर्स इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले पहली कैटेगरी के हिसाब से बताते हैं कि आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले कोई भी जो मैट्रिक्स होती है हमारी, उसको कोई मान लीजिए ए मैट्रिक्स है हमारी, ये कोई ए मैट्रिक्स है, उसको आपने लिखना होता आई ए के इक्वल, फिर उस पर अप्लाई करने होते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ERO। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है अप्लाई, इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। जब तक आपका यहां पर एक ही जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाता, और यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी जगह कोई मैट्रिक्स बन जाती है, लेट से बी, कोई बी मैट्रिक्स बन जाती है और इनटू ए। तो यहाँ पर जो ये बी होता है, ये बी जो है ये आपका ए इनवर्स के इक्वल होता है। इस तरह से हमारा ए इनवर्स निकलता है। अब यहाँ जो सारी कहानी है, आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा होगा वो ये इसमें हो रहा होगा, ये ERO है क्या। तो ERO बताता हूँ मैं आपको, ERO बताते हैं। तो ERO के भी हमारे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के हमारे कुल तीन ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन और ये तीसरा ऑपरेशन। अब एक एक करके मैं ये ऑपरेशन डिस्कस करूंगा। तो जो पहला ऑपरेशन एलिमेंट्री का है वो इंटरचेंज का है, उसमें हम क्या करते हैं पहली रो को दूसरी रो लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये ऑपरेशन कहलाता है आर आई इंटरचेंज विद आर जे, ये पहला रो ऑपरेशन है। और दूसरा रो ऑपरेशन हमारा क्या है, वो है आर आई को इक्वल कर देते हैं सम के स्केलर की मल्टीप्लाई करके आर आई। ठीक है, ये दूसरा ऑपरेशन है। और जो तीसरा ऑपरेशन है वो किसी रो को आर आई को लिख देते हैं आर आई प्लस के आर जे, ये लिख देते हैं। तो इसके बारे में भी एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि ये है क्या, इसके बारे में बताऊंगा। पर इसी तरह से सिमिलरली आपका बन जाता है कॉलम ऑपरेशंस भी। तो कॉलम ऑपरेशन में कुछ नहीं है, कॉलम आई को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम जे के साथ, और इस तरह से कॉलम में भी समझ लेते हैं। कॉलम में क्या है, कॉलम आई टेंस टू के, कॉलम आई होगा। और सी जो है वो है कॉलम आई को लिख देते हैं कॉलम आई प्लस के कॉलम जे। ठीक है, अब ये ऑपरेशन में डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने कि ये है क्या, ये किस तरह से लगाए हुए हैं। तो चलो ये सब समझने के लिए, जो ऑपरेशंस हैं उनको समझने के लिए हम एक एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट से ये कोई मैट्रिक्स है आपकी और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से -1 0 2 2 -1 से 3, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले पहला ऑपरेशन समझते हैं जो कि रो का ऑपरेशन है, ये वाला ऑपरेशन आर आई इंटरचेंज्ड विद आर जे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जैसे कि हमने इसी मैट्रिक्स के अंदर अगर ऑपरेशन लगाया आर वन इंटरचेंज विद आर टू, तो क्या मिलेगा हमें, ये हमारी बेस मैट्रिक्स है जिस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो बताइए ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अगर हम इसमें ये लगाते। तो रो वन को इंटरचेंज कर दिया रो टू के साथ, तो -1 0 2 और 1 2 3 और 2 -1 3, समझ में आया।
अच्छा इसी तरह से कोलम का भी हो सकता था। कोलम में क्या हो जाता, कोलम जैसे सपोज करिए कोलम आई को इंटरचेंज किया हमने कोलम जे के साथ, इसमें हम मान लीजिए कर लेते हैं कोलम थ्री को इंटरचेंज कर दिया कोलम टू के साथ, ऐसे भी कर सकते हो। तो इस वाली बेस मैट्रिक्स के अंदर आप देखिए तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ये जो आपका कॉलम टू है और ये आपका कॉलम थ्री है, इनको आपस में इंटरचेंज किया गया है, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो देखो क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज है, इसमें तो कुछ नहीं छेड़ा, ये थ्री टू थ्री और टू जीरो माइनस वन, ये बन गया। ठीक है, तो ये आपका कॉलम का और रो का ऑपरेशन है। तो आपको ये वाला ऑपरेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये ऑपरेशन कैसे लगाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन की, कि ये दूसरा ऑपरेशन क्या है, इसी में बताता हूँ आपको मैं। ये हमारा पहला ऑपरेशन हो गया, अब मैं दूसरा ऑपरेशन बता रहा हूँ आपको। ये आपका ए ऑपरेशन है, तो ये ए ऑपरेशन है, ए ये ए है, तो मैं आपको बी बता रहा हूँ। अब बी में क्या है, आर आई टेंस टू आर आई के आर आई, किसी किसी के की मल्टीप्लाई करते हैं, के आर आई किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे कि मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ आर वन टेंस टू लेट से टू आर वन, मतलब आर वन है तो आर वन ही होना चाहिए और उसमें टू की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अगर मैं लगाता हूँ इसी मैट्रिक्स के अंदर तो ये क्या बन जाएगी, देखिए मतलब आर वन में टू की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा टू फोर सिक्स, ये एज इट इज है, इसमें दो की मल्टीप्लाई होगी ना सब में पूरे में, तो ये आपका टू माइनस वन थ्री। और इसी तरह से कॉलम में भी समझ लेते हैं, कॉलम में क्या है, कॉलम आई टेंस टू के कॉलम आई होगा, कॉलम टू टेंस टू लेट से थ्री कॉलम टू, तो देखें क्या बनता है, चेक करते हैं। मतलब आपका कॉलम टू क्या है, कॉलम टू तो ये है ना आपका, ये आपका कॉलम टू, इस कॉलम टू में थ्री की मल्टीप्लाई हो रही है, तो देखो क्या मिलता है। तो पहले तो ये भी लिख लेते हैं, चलो सिक्स और बाकी एज इट इज, बाकी आपका एज इट इज थ्री टू थ्री। तो आपको ये ऑपरेशन क्लियर हुए दोनों। अच्छा अब ये लास्ट वाला ऑपरेशन रह गया, लास्ट वाला ऑपरेशन बताते हैं कि ये कैसे लगता है। तो ये ऑपरेशन हम लेते हैं, ये सी ऑपरेशन हमारा, आर आई टेंस टू आर आई प्लस के आर जे। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऑपरेशन में लिख रहा हूं, से आर वन टेंस टू आर वन प्लस से टू आर टू, टू आर टू, ठीक है ना, जहां पर आप के की वैल्यू देख सकते हो, के की वैल्यू है टू और जे की जगह है टू और आई की जगह वन वन है। तो देखो ये ऑपरेशन लगा के देखते हैं क्या बनता है। तो रो वन मतलब रो वन, अब रो वन देख लो आप, रो वन क्या है आपकी, ये है ना, यहां पर देखते हैं वन टू थ्री, ये रो वन है, और रो टू क्या है हमारी, रो टू ये है और उसमें टू की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, यानी कि इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्रोस्पॉन्डिंग के साथ जुड़ता है, याद रहे। तो यहां पर आपका है माइनस वन जीरो और टू, तो माइनस वन जीरो और टू, अब इन सब में मल्टीप्लाई किस किस की हो रही है, टू की हो रही है ना, टू की हो रही है, और ये आपने ऐड करने हैं, तो ऐड करेंगे तो वन माइनस टू माइनस वन आएगा और ये टू टू ही रहेगा और ये टू, ये फोर हो गया, क्या आएगा सेवन आएगा। तो आपकी रो वन जो है वो क्या बन जाएगी, माइनस वन टू सेवन, और बाकी सब एज इट इज जैसा भी है वैसे लिख दीजिए, आपका माइनस वन जीरो टू टू माइनस वन थ्री। इसी तरह से कॉलम में भी लगा लोगे सेम इसी तरह से, जैसे कॉलम में हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम के लिए फॉर्मूला क्या है, कॉलम आई टेंस टू कॉलम आई प्लस के कॉलम जे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कुछ ना कुछ स्केलर लेना ही है, आप सीधा चाहो तो के की जगह माइनस वन भी ले सकते हो, यानी कि कॉलम वन टेंस टू कॉलम वन माइनस कॉलम टू, ऐसा भी कर सकते थे, इसमें के की वैल्यू क्या है, माइनस वन है। अच्छा के को फ्रैक्शन में भी ले सकते हो आप, वन बाय टू भी ले सकते हो, वन बाय थ्री भी ले सकते हो, ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपका मैंने लगाया ऑपरेशन, तो कॉलम वन में हो रहा है तो इसको वर्बली कर लेते हैं, कॉलम वन में कॉलम टू सब्ट्रैक्ट किया गया है, वन माइनस टू किया गया है, ठीक है, तो क्या बचेगा बताओ, माइनस वन, उसके बाद
माइनस वन ही बचेगा खाली, और यहाँ पर थ्री हो जाएगा, ठीक है, और बाकी एज इट इज लिख दीजिए, टू ज़ीरो माइनस वन थ्री टू थ्री। समझ में आया आपको ये ऑपरेशन कैसा लगाया? तो ये भी आपका ऑपरेशन क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो मैंने आपके सामने ये सारे ऑपरेशन आपको क्लियर हो गए अच्छे से, अब आपके सामने मैंने ये कुछ लिखा हुआ है, ये सारा ये क्या है, ये अब समझना रह गया होगा। टू फाइंड ए इनवर्स सबसे पहले आपको ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी ए लिखना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके सामने दे रखी है, कुछ इस तरह से कोई मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज करो ये एलिमेंट्स हैं उसके ए बी सी डी, ये आपकी कोई ए मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए ये कोई आपकी ए मैट्रिक्स है, तो आपको उसको लिखना कैसे है? ये ए मैट्रिक्स लिखी उसके साथ में, तो उसके साथ में आपको लिखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और साथ में यहां पर ए लिखना है, ठीक है। अब ये जितने भी मान लीजिए देखो हम इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से आपने ये जो मैट्रिक्स है इधर इधर को कन्वर्ट कर देना है आइडेंटिटी में, इधर को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में 0 1, और यहां पर कुछ कोरोस्पोंडिंग कन्वर्जन होगा। मतलब अब मान लीजिए देखो आपको सी को जीरो करना है, तो ए को यूज करके इसमें कुछ घटा देंगे ताकि ये जीरो बन जाए, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करके, जैसे कि कैसे करेंगे, सी को डिवाइड कर दो सी से और उसमें ए से डिवाइड कर दो, उनका आपस सबट्रैक्ट कर दो तो 1 1 बनेगा, तो 1 को 1 में से माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का ऑपरेशन लगा के आपको इसको 0 बनाना है, कुछ ऑपरेशन यही इन ऑपरेशंस की हेल्प से हम कर लेते हैं, वो आपको हम आगे कुछ एग्जांपल के माध्यम से दिखाएंगे भी, ठीक है। और कोरोस्पोंडिंग जो भी हरकत आप यहां पर करोगे वही कोरोस्पोंडिंग हरकत आपने ये साथ वाली मैट्रिक्स में करनी है, तो यहां कुछ नया बन जाएगा, कुछ नया बन जाएगा यहाँ, ये जो नया बनेगा वो बी मैट्रिक्स बनेगी, और ये जो बी मैट्रिक्स होगी वो ए का इनवर्स होगी, ये है कहने का मतलब, समझे। और कॉलम में क्या है, कॉलम का यहां पर लिख देता हूं, कॉलम का फ्लो चार्ट क्या है, कॉलम के फ्लो चार्ट में भी आपको करना क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए आई लिखना होता है, ए इक्वल्स टू ए आई लिखना होता है, और आपको यहां पर आइडेंटिटी बनानी होती है, और यहां पर ए बी बन जाता है, और जो भी आपका बी बना होता है वो आपका ए इनवर्स होता है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि ए इक्वल्स टू आई ए लिखने की बजाय आपको ए आई लिखना है, मतलब ये जो ए है ना ये यहां लिखने के बजाय आपको यहां लिखना होता है कॉलम के अंदर। मार्क्स काट देते हैं इसके अंदर एग्जाम में अगर आपने ऐसा नहीं लिखा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ई आर ओ लगा रहे हो तो आपको आइडेंटिटी पहले लिखनी है, और अगर आप लगा रहे हो ई सी ओ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, उसके लिए आपका ये यूज करना है, ठीक है। और बाकी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसकी हेल्प से हम आपको ये ऑपरेशंस और अच्छे सिखाएंगे, ठीक है।